एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सामने जो पौधा देख रहे हैं, इसको हर कोई जानता होगा। इसको साइंटिफिक नेम उसका जो है मिमोसा पुडिका है, हिंदी में छुईमुई या लाजवंती के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको टच मी नॉट या सेम प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद कुछ ही लोग जानते होंगे, और आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो चलिए इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। इसकी पत्तियाँ छूने से सिकुड़ के हो जाती हैं और वापस कुछ देर बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाती हैं। तो दोस्तों, जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो पत्ती की कोशिकाओं में मौजूद पानी काफ़ी मात्रा में पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से होकर तने में चली जाती हैं, जिससे इनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ता है, यानी कि द्रवस्थैतिक दबाव बहुत कमी हो जाता है। इसका दबाव, हाइड्रोस्टेटिक दबाव कम हो जाता है और इन पत्तियों का तनाव भी समाप्त हो जाता है, जिससे इनमें ऐंठन पैदा हो जाती है और ये पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं। चलिए जिस दिखाते हैं हम आपको, ये पत्तियां छूने से ये सिकुड़ जा रही हैं, ये तो इसमें सारी प्रोसेस यही होती है। यहाँ से जो पानी होता है इसमें बहुत तेज़ी से इसका दबाव कम होते हुए यहाँ तक आ जाता है पानी, और ये पत्तियाँ ऐसे मुरझा के नीचे हो जाती हैं। और कुछ देर बाद जब पानी का दबाव, इसमें जो प्रेशर होता है, पूरे पत्तियों में फैल जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। चलिए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। और इसमें कोशिकाओं के अंदर पानी बाहर या हाँ बाहर जाने की और अंदर आने की जो प्रक्रिया है वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा उसमें होता है। ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, कभी कभी रात में मान लो हम देखते हैं कि इसमें केवल पत्तियाँ सिकुड़ी रहती हैं, लेकिन इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो डंठल है ये नहीं झुकता, तो इसको हम एक्टिनास्टिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये काफ़ी पौधों में देखा जाता है, जैसे मटर में देखा जाता है और चिलबिल में, तमाम जो पौधे हैं रात में जो जिनकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं और दिन में खुल जाती हैं। तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। और चलिए इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा। और हाँ दोस्तों, इस पौधे के बहुत सारे मेडिकल यूज भी हैं, जो कई बीमारियों में काम आते हैं, इसकी कई दवाई बनाई जाती है, तो इसकी भी पूरी वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने रखूँगा। और इसमें एक जो प्रक्रिया पूरी ये प्रक्रिया होती है इसमें मुरझाने की, और इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको टर्गर प्रोसेस कहते हैं, यानी कि स्फीत दबाव, ये इसी जो यही स्फीत दबाव का नियम है उसी के हिसाब से ये पूरा ये पौधा काम करता है। और आप जो देख रहे हैं इसकी एक ये पत्ती, इसकी पत्ती को लीफलेट कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक इसको पिन्ना के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप ये डंठल देख रहे हैं, ये डंठल इसका इसमें वो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, और ये वाली चीज़ इसमें इसको पेट्यूल कहते हैं, जो गांठ वाली चीज़ है, हल्की सी ये फूल यहाँ रहती है, यहाँ पानी होता है और इसी पानी का सब प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं पुलविनिस नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो ये चीज़ इसके अंदर की जो ये नस होती है, पत्ती के अंदर की नस, इसको रचिला कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने ये रेजिस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही सारी प्रक्रिया है इसमें, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक है। और आपने सुना होगा कि इसको छूने से सिकुड़ जाता है, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा एक क्यों सिकुड़ती है ये। तो आपको मैंने वीडियो में बताया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लास्ट में ये कहूँगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।